खबर लालगंज से है, जहां लालगंज तीनपुलवा चौक स्थित प्रखंड प्रमुख सुधा देवी के आवासीय परिसर में संविधान दिवस के मौके पर ग्राम चौपाल का आयोजन सामाजिक कार्यकर्ता जितेंद्र राय के नेतृत्व एवं रामराज राय की उपस्थिति में संपन्न कराया गया। वहीं इस मौके पर राजद के प्रखंड अध्यक्ष सहित इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले कार्यकर्ताओं ने संविधान बचाओ के नारे लगाए। बताया गया कि जातिगत गणना राजद की सरकार में ही संपन्न हुई है और जिसका जितना संख्या है उसका उतना भागीदारी होना चाहिए। साथ ही कमर तोड़ महंगाई पर भी केंद्र सरकार को आड़े हाथ लिया गया। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता जितेंद्र राय ने बताया कि ग्राम चौपाल का आयोजन कर आम आवाम को जागृत करने का काम किया जा रहा है। लोगों को अपने अधिकार तथा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा दिए गए संविधान के बारे में बताया जा रहा है, जो वर्तमान के केंद्र सरकार बदलना चाह रहा है। आज संविधान दिवस है, इस अवसर पर आप लोग का क्या कार्यक्रम हो रहा है? आज पूरे बिहार में संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जा रहा है। आज लालगंज प्रखंड में हम लोग युवा राजद प्रखंड अध्यक्ष हैं हम रामराज राय, इसके तरफ से पूरा युवाओं को यहाँ एकत्रित कर करके मतलब पूरा संविधान को, जिस संविधान पर खतरा है उसको बचाने के लिए हम लोग पूरा युवा एकजुटता होकर के यह कार्यक्रम को चला रहे हैं। पूरे पार्टी कार्यालय से आदेश है 26 नवंबर को पूरे लालगंज प्रखंड पर ये युवा राजद का आयोजन किया जाए, संविधान बचाने के ओर से लोगों को जागरूकता किया जा रहा है कि संविधान का खतरा है, इसलिए पूरा युवाओं को जागरूकता करना है संविधान बचाने के लिए।